Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, hi, my name is Jisha and welcome to my world. So, अभी तो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि वी आर कोविड पॉजिटिव एंड वी ऑनेस्टली डोंट नो हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज हम लोग लास्ट जब गोवा में थे तब कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं था, है ना? तब कोई सिम्टम्स था? करंट आपको था ना? नहीं, बस खांसी था उसको, पर वो बहुत दिन से था और उसका ऐसे ईयरली ऐसे आता है एक टाइम जो जिसमें उसको खांसी होता है और वो बहुत टाइम तक ऐसे रहता है, फिर जाता है. तो हम लोगों को लगा वो नॉर्मली वैसा ही है कुछ, तो हम लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं था पहले. दीदी को बुखार था, दीदी ने टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, तो हम लोग सब ऐसे हो गए कि हाँ चलो ठीक है, फिर हम लोगों को किसी को भी नहीं है. वो गोवा से आने के बाद दीदी ने टेस्ट कराया, गोवा से आने के एक दिन बाद तो नेगेटिव आया, तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ उसको ही बस सिम्टम्स था, तो हम लोगों को तो कोई चांस ही नहीं था ऐसे होने का. फिर करण को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा. फिर उसको सर दुखने लगा, उसको सिम्टम्स ऐसे लग रहा था कि हाँ हो सकता है, ऐसे जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू बी क्लियर. उसने टेस्ट कराया, उसका पॉजिटिव आया. किधर है मेरा फोन, किधर है? सो उसने टेस्ट कराया, दिस इज हिज रिपोर्ट एंड इट सेज इट्स पॉजिटिव. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट, बट या ये करण का रिपोर्ट है. सो जिस दिन सुबह मैं नींद से उठी, एक्चुअली मैं दोपहर को नींद से उठी, उठ के मैंने पूछा कि क्या आया टेस्ट का रिजल्ट. मैं देख रही हूँ करण को चद्दर वद्दर सब पहन के ऐसे सब कुछ सैनिटाइज कर रहा है घर का. मैंने बोला क्या हो गया? बोलते देखो आपको भेजा, देखो. फिर मैंने देखा, मेरी दिमाग हिल गई है. सो उसके बाद उसके साथ मैं थी, मतलब हम लोग दोनों सेम रूम में थे इतने दिन से, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी टेस्ट कराना चाहिए. और जिस दिन शाम को मैं वो सेल्फ किट जो आता है उससे मैं टेस्ट कर रही थी, उसी दिन वो टेस्ट करने के 2 घंटे पहले से मेरे को भी ऐसे फील होने लगा. पता नहीं, मैंने सुना है उसको कोविड है इसलिए फील होने लगा कि क्या रीज़न से फील होने लगा, पर मेरे को मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि सर दुख रहा है, सांस नहीं आ रही है, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ऐसे सांस नहीं आती है मेरे को कभी कभी, तो हो सकता है कि उसके वजह से भी हो. मेरे बॉडी पेन होने लगे. फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया, इट वाज पॉजिटिव, मेरा भी पॉजिटिव आया. फिर सेम चीज़ कनिष भैया और दीदी ने भी किया, क्योंकि हम लोग सेम घर में रहते थे, तो उन दोनों का निगेटिव आया. फिर हम लोग एकदम एक रूम के अंदर बंद हो गए. हम लोग का बेडरूम जो है वो ये बाजू वाला रूम है. हम लोग के पास 2 रूम है, एक करण का एक मेरा, तो एक हम लोगों ने ऐसे क्लोजेट रूम बनाया, एक को सिर्फ बेडरूम बनाया. तो बाय डिफॉल्ट दे आर कनेक्टेड थ्रू द बालकनी. सो यहाँ पे ये बालकनी है, ये बालकनी से वो रूम कनेक्ट होता है. तो हम लोग फर्स्ट 2 दिन हम लोगों का हालत नहीं था ब्लॉग करने का, तो दिस इज द 3rd डे यू गाइज आर सीइंग अस. दिस इज़ द 3rd डे एंड अभी रात के 8:46 हो रहा है. तो फर्स्ट 2 डेज वी वर देयर ओनली, मतलब वही रूम पे हम लोग अटके थे और हम लोगों को इतना सफोकेशन होने लगा, उसको पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा एक रूम के अंदर. मेरी दीदी आके हम लोगों को दरवाजे के सामने खाना दे के जा रही है, हम लोग वो खा रहे हैं. लिटरली ऐसा लग रहा है जेल में है. तो खाना दे के जा रहे हैं, हम लोग वो खा रहे हैं. फिर सब कुछ हाँ ऐसे ही हम लोग वहाँ पे थे. तो आज सोचा कि क्यों ना हम लोग ये रूम को भी यूज़ करें, तो एटलीस्ट आई कैन मेक कंटेंट्स और व्लॉग्स लाइक दिस. सो आज अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं ये वाले रूम में, और यू गाइस कैन सी यहाँ पे इतने सारे जो कपड़े हैं, ये वो रूम से कल हम लोगों ने ये रूम पे शिफ्ट किया, क्योंकि वो रूम थोड़ा सा ऐसे वो रूम पे शूट नहीं होता है ना, तो इसलिए वो रूम पे कपड़े वपड़े एकदम ऐसे 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 पड़ा था. और देख के वो चीज़ वो रूम के अंदर ही है ना हम लोग, तो वो चीज़ देख के अभी बहुत ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत कैसा तो फील हो रहा था. तो इसलिए उसको सब कुछ हम लोगों ने कल रात को एकदम क्लियर एकदम सब कुछ वो कर दिया, थोड़ा सा साफ वाफ कर दिया. बैठे बैठे क्या करेंगे, और यहाँ पे सब कुछ ला के रखा है, अभी इसको भी साफ करना पड़ेगा. सो या और कुछ मैंने छोड़ा क्या बोलने का? कुडोस टू डिम्पल पॉल एंड गणेश भट्ट पॉल, वो लोगों ने हम लोग का
बहुत देखभाल कर रहे हैं, ऐसे आके के पूछ रहे बुनाई कुछ चाहिए बुनाई कुछ चाहिए. सो या दिस इज आवर लाइफ अपडेट एंड वी थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल. काम कर रहे हो लोग जो चाहिए बोल सकते हो. सो या वी डोंट नो एक्चुअली कब हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ. गोवा में तो नहीं हुआ था बिकॉज हो भी सकता है, हु नोज. बिकॉज वहां पे आने के बाद हम लोग एकदम फिट एंड फाइन थे. मैं दो दिन रेडी होकर गोवा से जिस दिन आई मैं उस दिन ही मैंने वीडियो बनाया. मेरा एक कोलैब पेंटिंग था वो सब मैं बनाया. उसके बाद भी एक दिन हम लोग चारों मिल के वीडियो बनाए. उसके बाद वाले दिन ही करण का टेस्ट का वो आया पॉजिटिव. ठीक है, हम लोग शॉक थे. वही ही इज द वन जो बहुत ज्यादा मानते हैं. मतलब ही वेयर मास्क एवरी टाइम ही गोज आउट विद अस और by himself, I guess. मतलब वो हर एक टाइम मास्क पहनता है, हर एक टाइम. उसको तो पता नहीं कहाँ से, हम लोग नहीं पहनते हैं. हम लोग ऐसे थोड़ा सा, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है तो मैं खोल देती हूँ मास्क. मेरे से नहीं होता है ज़्यादा टाइम मास्क पहनना, इसलिए मैं घर से निकलती नहीं हूँ. बहुत रेयर निकलती हूँ मैं घर से. जब से ये कोविड का सीन स्टार्ट हुआ था तब से आई डोंट गो आउट. मतलब जब एकदम लॉकडाउन भी तब भी दीदी और करण मिलके जाते थे ग्रॉसरीज वगैरह सब कुछ लाने, क्योंकि मेरे से नहीं होता. मेरे थोड़े से ऐसा करते वो करते मेरी सांसें फूल जाती है. तो करण सबसे ज्यादा वो होता है, मतलब सबसे ज्यादा दो मास्क, हाँ सबसे ज्यादा दो मास्क पहनना, ये पहनना. पूरे गोवा में दो मास्क पहन के घूमा है पूरे गोवा में, जबकि हम लोग खोल देते हैं फिर भी. सो या आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इट हैपेंड एंड वी हैव टू लिव विद दिस. सो या हम लोगों ने सोचा ये व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं डेली. आई डोंट नो ये क्या बनेगा, मतलब डेली व्लॉग बनेगा कि हम लोग का पूरा जर्नी दिखेगा इसमें. मतलब जब तक हम लोग नेगेटिव, जब तक हम लोग का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक दिखाएंगे हम लोग. आई डोंट हैव एनी आइडिया, डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ. आज हम लोग को थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो अभी हम लोग बैठ कैसे कर रहे हैं. करण आप क्यों उधर खड़े हो ऐसे? So yeah, this is the update. And most probably ये मैं तब डालूंगी जब हम लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग के घर वाले को अभी तक नहीं पता है. उन लोगों को पता होगा वो लोग परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए अभी हम लोगों ने नहीं बताया. जब नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट तब हम लोग ये डालेंगे ताकि वो लोग टेंशन ना करें, क्योंकि सब तो देख ही लेंगे. गाइस सो हियर वी हैव माय मेडिसिंस. मेरे बहुत कम मेडिसिंस हैं, मतलब मेरा इतना ही मेडिसिन है क्योंकि मेरा सिम्टम्स थोड़ा सा कम है. और करण का मेडिसिन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे करण अभी दूध गर्म कर रहा है जो कि पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? शायद अभी हो गया. हाँ तो दूध गर्म हो रहा है, उसको ब्रेड और दूध पीना है पता नहीं क्यों. पर या एंड वेट, दिस इज आर washroom, this is what this looks like and this is what I look like. I look like a piece of trash but it's okay, it's okay, we all have our days. And और एक ये सिरप भी है, ये सिरप भी लेना पड़ता है. ये A to Z सिरप है वीकनेस के लिए. मेरा सबसे मेन जो, एक मिनट मैं थोड़ा जूम करती हूँ. मेरा सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ. मेरे को बिस्तर से, मैं ये कैमरा भी कैसे पकड़ी हूँ मुझे पता. सो मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही हूँ. सो दिस इज़ व्हाई दिस सिरप. और या दिस इज़ प्रिटी मच द अपडेट एंड दिस इज आर, दिस इज माय डेस्क. एंड या आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड वंस आई टेक माय मेडिसिंस. ओके बाय. टाइम पास करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे सीरीज, फिर लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग. फिर आई विल गेट बैक टू यू गाइस. वी नो आई नो, पर मैं दिस व्लॉग कर रही हूँ फोन से.
मैं फोन से कर रही हूँ. सो द थिंग इज वी नो डॉक्टर हम लोग को स्पाइसी फूड खाने के लिए मना किया है. डॉक्टर अरे 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 शिफ्ट हो गया क्वालिटी शिफ्ट. ओह 3 2 1 शिफ्ट. डॉक्टर हम लोग को स्पाइसी फूड खाने को मना किया है. डॉक्टर हम लोग को कुछ भी ऑयली स्पाइसी ऐसा चीज खाने को मना किया है. बट वी कांट डू इट एनी मोर. वी कैन नॉट डू इट एनी मोर. बहुत दिन बाद हम लोगों ने अभी बाहर से खाना मंगाया है और दीदी खाना ऐसे ले रही है. जो भी हम लोग मंगाया है दीदी ले रही है और ये दरवाजे के पास रख के जा रही है. सो या वी हैव अ लॉट ऑफ फूड एंड नेटफ्लिक्स. यस लेट्स ईट. खाना खा के दवाई पी के फिर सो जाते. चलो खाना आ गया. खाना आ गया. टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है. मेरा हो गया है. मैंने बस अभी टेस्ट किया एंड गेस व्हाट हैपेंड. मेरा नेगेटिव आया. अभी बस स्प्रे करता है. करण का भी नेगेटिव आया. लेट्स सी. करण बहुत दूर तक अंदर करना है. एकदम एक एक वो आएगा उसके भी अंदर करना है. एक बाधा आएगा. एक दरवाजा टाइप का आएगा. दिखा. I don't think so. He's negative. और करण बहुत अंदर करना है. करण ऐसे नहीं होगा. मार डालेगा. बहुत एक देखो दरवाजा टाइप का आएगा उसके भी अंदर. उसके अंदर घुसा है आपने. अंदर घुसा के रोल करने बोला है तब भी तो जाके लगता है. ला मैं कर दूं. हो गया. ऐसे तो मारा उसको दरवाजे को ठप करके. अरे उसको अंदर लेके जाके उसको रोल कर. अबे इसके अंदर अंदर कचरा पे है ना. चलो इसके अंदर डालो. अब उसको तोड़ दो. अगर वो अभी मत तोड़. अभी थोड़ा सा उसको दो. मैं करती हूँ. नहीं मैं करती हूँ. हो गया रोल. सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. तोड़ दो ना. फिर भी हम आरटीपीसीआर कराएंगे. हाँ ऑफ कोर्स कराएंगे. ये तो मतलब ये ऐसे वो भी आ सकता है तो वी कांट रिस्क इट. क्योंकि बाहर दीदी भी है. गणेश भैया भी है. कोको भी है. सो वी कैन नॉट. गाइस आई एम टेलिंग यू गाइस द वर्स्ट पार्ट वाज नॉट बीइंग एबल टू सी कोको. नॉट बीइंग एबल टू पेट हिम. इट वाज द वर्स्ट पार्ट आई गेस. करण बहुत टाइम तक ऐसे ऐसे करने बोला है उसको. करण उसको नीचे रखो. नीचे रख के दो हाथ से डालो. I can see one line. करण डालो ना. वो आर्टिस्ट
सीपीआर वाले भैया को भी बुलाने को कैसा होगा अगर इधर मालूम नहीं पड़ा तो हुआ ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? गया उसके थ्रू? नहीं, उसको थ्रू होके गया? नहीं। देखो, अरे उसको पास होके तो सी पे आया जिशु पानी, देखो ना, पर सी पे आ गया लाइन। सो गाइस, नेक्स्ट आई विल सी यू गाइस जब आर्टिफिशियल वाले लोग वो जो भैया कराता है कोविड टेस्ट वो जब आएगा। आई विल सी यू गाइस देन एंड आई विल शो यू गाइस माय फेस देन। आई वोंट शो हिज फेस एनीमोर। ओके, बाय। हे गाइस, व्हाट्स अप? सो या आई लुक क्रीपी, आई लुक वेरी बैड बिकॉज कोविड ने मेरा ऐसा हाल कर दिया है, बट नो वरीज, आई विल गेट बैक टू व्हाट आई लुक। बाय द वे, आज हम लोग का कोविड टेस्ट हो रहा है एंड अभी वो बंदा नीचे खड़ा है, अभी वो बस ऊपर आ रहा है एंड आई रियली रियली होप हम लोग नेगेटिव आए आज, मतलब जब भी रिपोर्ट आएगा आज या कल, आई रियली होप नेगेटिव आए। सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू गाइज। क्या मजा आता है उसका टेस्ट देखने का। कुछ नहीं होगा, क्या डरता है, बाप रे बाप। देखो 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 अरे कराने दो अच्छे से, करें अच्छे से तो Shut up. Guys, we are done with our test. Washroom का मिरर का हालत बहुत खराब है, इसको साफ करना पड़ेगा। सो वी आर डन। भैया कब आएगा रिपोर्ट? कल आ जाएगा रिपोर्ट गाइज, स्टे ट्यून्ड, विश लक, बाय। सो After long 7 days, finally हम लोग का रिपोर्ट आ गया है। इतना वीक लग रहा है मुझे, मैं फोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, कैमरा भी बहुत ऐसे भारी लग रहा है। सो या आर रिपोर्ट, इतनी खुशी, फाइनली आफ्टर लॉन्ग 7 days अभी आया बस रिपोर्ट। और हम लोग बस सोचे कि व्लॉग एंड करके हम लोग डाल सकते हैं और डालेंगे तो फिर उसके बाद मम्मी पापा सबको बोल भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था। मम्मी पापा कल मुझे वीडियो कॉल किए थे, मेरे को बोले तेरा फेस ऐसा क्यों हो गया, तेरे देखो तू कैसा तो लग रही है। मैं सोच रही हूँ बस बोलूंगी अभी थोड़े टाइम बाद बोलूंगी, अभी इंस्टेंट नहीं बोलूंगी। तो फोन पे बात ही नहीं करो घर पे, इतना खासी था। फक करण को, ओ सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट करण को बहुत ज्यादा खासी था, बहुत ज्यादा। आज शायद थोड़ा सा बेटर है ना, मतलब हम लोग जब व्लॉग नहीं किए ना, 2-3 दिन बीच में व्लॉग नहीं किए, फिर जिस दिन बस एक ही दिन हम लोगों ने व्लॉग किया था पूरा दिखाया था कि खाना वाना, वो दिन ही हम लोग सिर्फ थोड़ा सा बेटर थे, फिर उसके बाद इतना ज्यादा वीकनेस। और कल तो अचानक से ही रात को मेरे को क्या हुआ, मैं कल कितने बजे सोई थी, 9:30 ना रात को, कल मैं 9:30 सोई थी और आज मैं उठी सुबह कितने बजे, 8 o'clock तो उठ के वापस सोई थी, तो 10 बजे शायद मैं उठी हूँ, मतलब इतना सोई इतना नहीं सोती हूँ मैं। अभी मेरे को कैमरा पकड़ने को भी वो हो रहा है, नहीं मैंने ऐसे पकड़ लिया। सो या दिस वॉज आवर कोविड जर्नी, आई वुडन्ट कॉल इट अ जर्नी बट या इट वॉज, सबसे मेन प्रॉब्लम वो था मेंटली वी वर वेरी क्या बोल रही अनप्रिपेयर्ड, नहीं अनप्रिपेयर्ड तो सभी ऑफकोर्स क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो रहा है ना, तो सब अनप्रिपेयर ही है और हम लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। इट वॉज लाइक घर से नहीं निकल पाना इज वेरी टफ, और सब कुछ के लिए दीदी को कॉल करके बोलना दीदी आके देखे जा, मतलब ऐसा ये बहुत टफ है, ये बहुत कैसा तो लगता है। एक मिनट अच्छा टफ, एक मिनट, रात को कुछ खाने को चाहिए या कुछ भी चाहिए, दीदी बेचारी सोती रहती थी, उसको मैं कॉल करके बोलती थी आ जा के देखे जा, मतलब इट वॉज बैड। थैंक यू दीदी,
सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आप लोग ने व्लॉग पूरा अभी तक देख लिया, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज वेयर मास्क. हम लोग भी मास्क पहनते हैं पर आई डोंट नो. और सबसे मेन प्रॉब्लम था ये कि नहीं, सबसे मेन पॉइंट प्रॉब्लम बोल रही सबसे मेन पॉइंट ये था कि हम लोग के जो हम लोग का जो रूम नंबर है उसका बाजू वाला रूम नंबर को हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग को वहां से ही हुआ है क्योंकि हम लोग सेम लिफ्ट यूज करते हैं. सो आई डोंट थिंक सो हम लोग को गोवा से हुआ है क्योंकि वी वर फिट एंड फाइन. यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था. सो अभी मेरे को जब हम लोग को पता चला कि वो उन लोगों के घर पे भी हुआ है, तो वी वर थिंकिंग कि वहां से हम लोग को हुआ है. एंड प्लीज वेयर मास्क, प्लीज पुट सैनिटाइजर वेयर एवर यू गो. और क्या बोलते हैं यही दो चीज करते हैं तो सॉरी है. सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेता था मैं, सबसे ज्यादा एक्चुअली करण वाज लाइक जो होते हैं ना नेता, वो लोग नहीं कर सकता. हाँ, ही वाज लाइक दैट ओनली. बट या करने भी नहीं दूंगा ऐसा था, पर कोई ना, थैंक गॉड कुछ सीरियस, ज्यादा सीरियस नहीं हुआ. मतलब आई वॉज वेरी स्केर्ड वेन ही वॉज पॉजिटिव, आई वॉज पॉजिटिव बिकॉज मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा असर करता है ये चीज़, सबसे ज़्यादा. सो या थोड़ा सा बस अभी वीक हूँ और खांसी है थोड़ा. हाँ, उसको थोड़ा सा खांसी है और मैं थोड़ा सा वीक हूँ, बस दैट्स ऑल. एंड या आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड नॉट लाइक दिस वीडियो, नो वरीज, आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक फिल्मिंग इट, बट एनी वे आई डिड बिकॉज आई वॉन्टेड टू अपडेट यू गाइज. Thank you so much for watching. Ah, bye bye. Love you. Ah, haal do kya mera? Bola main pakad raha. Pura vlog mein ye hua hai. Shut up.